हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन द इंसेक्ट. इंसेक्ट्स ऑफ सम स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड प्रिजर्विंग साउंड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल वेल डिफाइंड मैकेनिज्म एंड ऑर्गन्स. देयर साउंड हैज ए सर्टेन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड यूज एज ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, स्पीशीज स्पेसिफिक लैंग्वेज. अमोंग द अपोजिट सेक्स एंड इंडिविजुअल्स एज ए वॉल शो अग्रेशन, डेंजर एक्सेट्रा. रिसर्चर्स हैव क्लासिफाइड साउंड प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म इन इंसेक्ट्स. Ewing 1989 describe a most recognized classification comprising five categories of sound producing mechanism: vibration, percussion, stridulation, click mechanism and air impulsion. इंसेक्ट्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं और किस टाइप से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सेक्स के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या किसी डेंजर से बचने के लिए कैसे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो सारा का सारा आज हमें इस वीडियो में समझना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं. वाइब्रेशन इंक्लूडिंग ट्रेमुलेशन, ये क्या होता है? तो देखिए, जो साउंड इमोशन होता है या ध्वनि उत्सर्जन होता है, जो कि ज़्यादातर इंसेक्ट्स अपने बॉडी के स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स की मदद से या अपने एब्डोमेन की प्लेट पर या डोर्सो वेंट्रली क्या करते हैं, एक कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वाइब्रेशन होता है. या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि विंग्स को इस टाइप से मूवमेंट करते हैं या विंग्स को इस टाइप से हिलाते हैं कि एक कंपन या एक ध्वनि उत्पन्न होती है. ठीक है, एक तरीका ये हुआ. एक होता है कि वे पैरों में जो उनके इंसेक्ट्स के जो लेग्स होते हैं वे उनको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं या उनको आगे बढ़ाते हैं चलना खड़े होने पर. जब वो थोड़ा सा क्या कंपन उत्पन्न करते हैं, कंपन या एक वाइब्रेशन करते हैं, उसकी मदद से एक साउंड प्रोड्यूस होता है. तो वाइब्रेशन तो ये हुआ. ये इमोशन या दोलन होता है तब शरीर के जो इनके बॉडी के रॉकिंग और जर्किंग मूवमेंट होते हैं वो सिग्नल सब्सट्रेट से टकराए बिना एक दूसरे से प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसमें क्या होता है कि सब्सट्रेट को ट्रांसमिट कर देते हैं. ठीक है, या फिर मच्छरों का कोई एक झुंड हो, उनमें पंखों में जो उड़ान उड़ते समय एक जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में दिया गया है वॉरेन रसल, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में अलग अलग बातें दी थी. ठीक है, ऐसे ही जो इनके डांस करते हुए, जैसे कि आपने देखा होगा हमने हनी बी का वैगल डांस पढ़ा है कम्युनिकेशन में, तो इनमें मॉस्किटोज में या हनी बीज में जो ये एक डांस से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक क्या हो गया इनका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन वाइब्रेशन से ये हो गया. चलते हैं, ये जो मैकेनिज्म है वाइब्रेशन का वो कैसे वर्क करता है. तो वाइब्रेशनल जो कम्युनिकेशन होता है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इंसेक्ट के एनवायरमेंट या एनिमल किसी इंसेक्ट के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी या उसके जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेट करते हुए जो उसके रिजल्टिंग बिहेवियर या जो बिहेवियर में चेंजेस आएगा ये उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि जो साउदर्न ग्रीन स्टिक बग है, ठीक है, वो क्या है, एन विरुडाला. ठीक है, एक इसका किसका वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है कि ये जो इंसेक्ट है ये क्या वाइब्रेशन कम्युनिकेशन शो करता है. एक आपने सुना होगा कि जो मेल और फीमेल्स होते हैं इंसेक्ट, तो उनमें एक अलग अलग प्रजातियों में उनके सेक्स से रिलेटेड या सेक्स स्पेसिफिक वाइब्रेटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एक इनका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि कॉकल एट एल. ठीक है, ये क्या है, ये टाइप का इंसेक्ट है जो क्या करता है, मेल और फीमेल अलग से सेक्स स्पेसिफिक वाइब्रेटरी सिग्नल्स फ्लो करते हैं और जो ये सिग्नल्स देते हैं ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 80-120 हर्ट्स होती है. ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी, वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन प्रोड्यूस करने की. अब देखिए आगे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जिसमें शो किया हुआ है कि वाइब्रेशंस कैसे अलग अलग फीमेल मेल में कैसे कैसे अलग अलग टाइम पे ये एक सॉन्ग गाते हुए कैसे मेल और फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे ये शो करते हैं. बी पार्ट की तरफ चलते हैं. बी पार्ट है हमारा परकशन. परकशन से ही समझ गए हो आप कि टक्कर है ना, परकशन मीन्स टक्कर होता है कि टक्कर लगने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है. तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि जोड़ी बनाने के लिए या क्या करने के लिए, पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट
के खिलाफ क्या करता है, उसको टक्कर मारता है या परकशन शो करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलियाई कीट जैसे लेपिडोप्टेरा ज़्यादातर ये शो करते हैं, ठीक है। एक तो ये हुआ, एक होता है कि कोई भी मेल एक अल्ट्रासोनिक ऑस्टिकल साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो फीमेल को सेक्सुअली रिसेप्टिव या किसी फीमेल तक अपना साउंड पहुंचा सके, ठीक है। ये एक टेरिटोरियल रेजिडेंसी में होने वाला है, कंपटीशन में होने वाला क्या है, साउंड है, ठीक है। ये जो ये वाली बात है ये आलोक एंड बेली ने 1995 में दिया हुआ है कि पेट की जो उनकी जो स्टमक की जो नोक होती है उसको सबस्ट्रैक की तरफ को मारना या टक्कर लगाना या प्रकर्षण करना भी किस में आता है, प्रकर्षण का ही एक पार्ट है। वह नॉर्मल इंसेक्ट की बात, अब जो इंसेक्ट पानी में रहते हैं या जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है मैंने, वाटर स्ट्राइडर्स होते हैं, गैरिडे होते हैं, वे कैसे पानी में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वे क्या करते हैं कि उनके जो फुट का लार्ज पार्ट होता है उसको पानी में लगातार शेक करते रहते हैं। शेक करने से क्या होता है कि पानी के अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक ये पार्ट हुआ, अब एक चीज़ और भी है इसमें, मेटिंग कॉल लिखा हुआ है मैंने कि जो मेल यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी मेटिंग के लिए वो 17 से 29 हर्ट्ज तक होती है और फीमेल की इसमें 1.5 से 2 हर्ट्ज तक होती है। वाटर स्ट्राइडर्स होते हैं, वे सिग्नल्स को 20 टू 35 सेंटीमीटर तक फैला सकते हैं और ये फीमेल के द्वारा ही, जो फीमेल इंसेक्ट होगा उसके वही इन संकेतों को समझ सकती है, ये इन सिग्नल्स को समझ सकती है, ठीक है। अब ये जो मेल्स हैं वे जब किसी भी फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद में ये वार्निंग सिग्नल्स देने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये था वाटर स्ट्राइडर्स कैसे सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टिड्यूलेशन। स्टिड्यूलेशन में क्या होता है कि इसमें एक फ्रिक्शन मैकेनिज्म काम करता है, या फ्रिक्शन मैकेनिज्म मतलब घर्षण तंत्र काम करता है जो क्या करता है, अलग अलग टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस करता है। मींस क्या है इसमें, जिसमें एक दूसरे के अपोजिट बॉडी के दो टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स क्या होते हैं कि शामिल होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर ये ऑर्थोप्टेराज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऑर्थोप्टेरा में ये तीन फेज़ में कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि जैसे ही ये रिसेप्टिव फीमेल ओरिएंटेशन क्या करता है, मेल को रिस्पॉन्स करता है फर्स्टली। फिर सेकंड में क्या होता है कि जो फीमेल होगी वो साउंड प्रोड्यूस करती है या कोई सॉन्ग सिंग करती है जिससे कि मेल को उसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। या मेल तक कॉर्डशिप सॉन्ग प्रोड्यूस करने के बाद में वो उसको जेनिटलिया एंड कॉपुलेशन के लिए तैयार करती है। अब चलते हैं सेडुलेशन के मैकेनिज्म की तरफ। तो जो सेडुलेशन का मैकेनिज्म है, जैसे कि मैंने बताया, ये क्या है कि दो जो रफ सरफेस होता है उनमें रबिंग करके या रब करके सरफेस को तब क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो सेडुलेशन का यूज़ सेकेंडरी रेजोनेटर्स को बढ़ाने में करते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी रेजोनेशन या द्वितीयक अनुनादन को बढ़ाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो सेडुलेशन है ये कॉमन सा प्रोसेस है, ठीक है, जो कि किस में ज़्यादातर फ्लाइज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि कैसे इंसेक्ट्स अपनी रफ सरफेस को रब करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं या मेल और फीमेल एक को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है साउंड प्रोड्यूस करने का, क्लिक मैकेनिज्म। क्लिक मैकेनिज्म क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सकुंचन और रिलैक्सेशन मीन्स विश्राम, मतलब हाँ विश्राम अवस्था में जब ये रहते हैं इंसेक्ट्स तब ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर मसल्स को क्या करते हैं, स्पेशलाइज तरीके से फैला लेते हैं, ठीक है। तो एक मेथड इसमें, ज़्यादातर जो टिम्बल या फिर सिकेडेंस होती हैं जो लाउड सिंगिंग करते हैं, जो हेमिप्टेरा के इंसेक्ट्स हैं उसमें ये वाला क्लिकिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो ये क्लिक मैकेनिज्म है ये क्या करता है, ये पेयर बनाने का फर्स्ट स्टेप है। मींस जो लॉन्ग डिस्टेंस पे फीमेल होती है, मेल उसको अट्रैक्ट करता है और उससे क्या कम्युनिकेशन करने का काम करता है, कौन सा, क्लिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो सिकाड़ा जो ऑस्ट्रेलियाई इंसेक्ट है तो उनमें ये चीज़ें देखी गई हैं। तो वो क्या इंसेक्ट होता है,
उसमें क्या होता है कि उसमें एक टिम्बल प्लेट प्रेजेंट होती है जो ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। लास्ट साउंड प्रोड्यूसिंग का मेथड है एयर एक्सपल्शन। ये सबसे ही कॉमन एग्जांपल है जो लार्ज स्पेक्टिकुलर यूरोपियन हुक मौत होते हैं, ठीक है, तो उनका ये एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, हवा में उड़ते समय अपने पंखों को इस टाइप से ये फैलाते हैं कि एक आवाज़, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये एयर एक्सपल्शन का एग्जांपल था। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि जो इंसेक्ट्स हमें साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं। थैंक यू।